नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह हम हमेशा अपने जलसे जुलूसों में कायद मोहतरम को ये आवाज़ देते हैं कि कायदा इशारा कवा बया तमाशा कवा, बिल्कुल उसी के मजदाक आज कायद जमीयत के हुक्म पे पूरे पाकिस्तान ने 5 मिनट में जो है तमाम कारकुनान ने तमाम मुशाराहें बंद कर दी हैं। क्यों बंद कर दी हैं? वो इसलिए कि इमरान नियाजी को ये पता चल गया है कि जो तहरीक अदम इतमाद उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर हमारे कायदीन ने जमा की है उसमें उसकी शिकस्त यकीनी है। चाहिए तो ये था कि वो फौरी तौर पे पार्लियामेंट का इजलास बुलाते, क्योंकि वो दावा करता है कि मुझे 180 से ज़ायद जो अराकीन हैं उसकी हिमायत हासिल है। तो अगर को आपको हिमायत हासिल है तो फिर तो स्पीकर आपका, फिर तो सदर आपका, हुकूमत आपकी, फौरी तौर पे तुमने इजलास बुलाना था, लेकिन तुमने क्यों नहीं बुलाया? वो इसलिए कि तुम्हारे अपने अराकीन तुमसे मुनहरिफ हो चुके हैं। तुम्हारा जो नारा था खोखला नारा था, तुमने यूटर्न ले लेके अपने पाकिस्तान के अवाम को तो ख्वार किया ही है, तुमने अपने पीटीआई के उन एमएनएस को भी ख्वार किया है जिनको किसी ना किसी तौर अवाम ने जो है वोट दिया था। आज तुमने जो पुलिस गर्दी इस्लामाबाद में दिखाई है इसका खदशा था हमारे कैदीन को, इसलिए तो उन्होंने हमारे बावर्दी रजाकार असर इस्लाम को इस्लामाबाद तलब किया और हर एक महीने के साथ उसकी ड्यूटी लगाई। लेकिन बावजूद इसके तुमने आज तमाम पुलिस फोर्स को पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर दाखिल किया, हालांकि वो अलग है, उसकी हैसियत है, उसका एक तकद्दस है, उसको तूने पामाल किया और तुमने हमारे एमएनएस को उनको जदोकोब भी किया और उनको गिरफ्तार किया। कायद मोहतरम के हुक्म पे पूरे जो सरफरुशान जमत इस्लाम हैं, जो जानसार मुलाफरमान हैं, वो इस वक्त सड़कों पर हैं। जब तक तुम अपने घुटने टेक नहीं कर देते और जब तक मौलाना फजल रहमान का हुक्म नहीं आता कि अपने घरों को चले जाएं, ये तमाम कारकुनान अपने घरों में रहेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं कुल पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को जो इस वक्त अपने घरों में हैं, वो फिल फोर अपने घरों से निकल आएं और जिस जगह पे उनके शहरों में जहां पे भी हमारे जानसारान ने रोड बंद किए रखा है, फौरी तौर पर वहां पहुंचे, उनके साथ जो है यकजहती का इजहार करें और उनके साथ बैठ के पैगाम दें इस सेलेक्टेड को कि तुम नाअहल थे और तुम नाअहल हो और इंशाल्लाह तुम्हें अब बजोर बाज इंशाल्लाह इस कुर्सी से हम निकाल बाहर करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम कारकुनान से, और चूंकि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के भी जो है सरबरा हैं, तो उनकी जो काल है वो बहसीत पीडीएम सरबरा भी है और वो बहसीत जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा भी है। तो पीडीएम के कारकुनान से भी दरख्वास्त है और जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनान से भी दरख्वास्त है कि वो फिल फोर जो है अपने घरों से निकल आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कायद के हुक्म पे तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो चुका है। नियाजी यही चाहता था, हम नहीं चाहते। हम तो चाहते थे कि इस जो गैर जमहूरी तरीके से आया हुआ था उसको हमने जमहूरी तरीके से जो है इस कुर्सी से हटाना था, वो भी अदम एतमाद के जरिए। लेकिन तुम इस अहल ही नहीं हो, इसलिए तुम ना अहल हो और इंशाल्लाह तुम्हारा जो निजात योम निजात इंशाल्लाह करीब है और इंशाल्लाह तुमको घर बेच के रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं नियाजी के नाजायज़ हुकूमत का कि उन्होंने अपने नाजायज़ होने का ऐलान खुद कर दिया है और अपने नाजायज़ हुकूमत के खात्मा का ऐलान भी खुद कर दिया है, क्योंकि हमें कायदे जमीयत बहुत अरसे से ये बतला रहे थे कि ये हुकूमत नाजायज़ है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, लेकिन ये झूठ बूठ बोलते थे कौम के सामने कि हम जमहूरी तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानी तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारे कायदे जमीयत कौम को ये हमेशा बता रहे थे कि ये जाली मैंडेट की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है। लेकिन आज इस हुकूमत ने जिस नाजायज़ तरीके से जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश की, जमहूरियत का बिस्तर गोल करने की कोशिश की और दुनिया के सामने जमहूरियत को जिस तरह दागदार कर दिया गया कि एक हुकुमरानों के हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई और अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करना इसके बस में नहीं रहा, तो इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस पर हमला करके
पार्लियामेंट लाजिस पर हमला करके एमएनएस को यरगमाल बनाया, हमारे अंसारुल इस्लाम को यरगमाल बनाया और पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन की तौहीन की, पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन को खौफ व हरास में मुब्तला किया। तो इस हुकूमत के खिलाफ हमारे कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनों को काल दी और आप सब पाकिस्तान के आवाम ने, दुनिया ने देख लिया कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान के रोडों को जाम कर दिया गया, शहराहों को जाम कर दिया गया और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नियाजी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल ना हो, जब तक ये नाजायज़ और गैर सेलेक्टेड हुकूमत ये घर न चली जाए, क्योंकि इस हुकूमत का अब पाकिस्तान के हुकूमत पर रहना, वज़ीर आज़म की हैसियत से रहना, वफाकी वज़रा की हैसियत से रहना पाकिस्तान को तबाह करने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम को महंगाई की चक्की में पिस दिया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख बना दिया गया, पाकिस्तान के आने वाले नस्लों को मकरूज बना दिया गया, पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को बेच दिया गया, पाकिस्तान के असासों को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान की GDP को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान में बदमनी को फ़रोग दिया, करप्शन को फ़रोग दिया, झूठ और फरेब को फ़रोग दिया और कादियानियत को फ़रोग देने की कोशिश की, कादियानियत को हवा और कादियानियत को परवान चढ़ाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को पाके इस हुकुमरानों के किसी भी हरबे को कामयाब होने नहीं दिया और कायदे जमीयत ने हमें ऐलान कर दिया है जब तक ये हुकूमत घर न चली जाए ये एहतजाज पाकिस्तान के शहरों पर अब जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये नाजायज़ हुकूमत का मुकम्मल खात्मा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, कायदे जमीयत, कायदे PDM, कायदे अवाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक काल पर आज रात के 11-12 बजे के वक़्त हुकूमत के नाजायज़ कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ वो मैदान में आ चुकी हैं और आज ये कौम और कारकुन पूरे पिशावर से, मुल्क भर से, घर घर से, गलियों गलियों से आज कारकुन निकल रहे हैं और अपने इलाकों में घरों से कारकुन निकल रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया हो या दिगर इदारे हों, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के ख़िलाफ़ अगर जुल्म और बर्बरियत करना चाहती हैं तो बिल्कुल अपने दिलों को और अपने तमन्नाओं को पूरा करें, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ना किसी के बर्बरियत से दबने वाले हैं, ना किसी के जुल्म से इस जद्दोजहद से बाज आने वाले हैं, बल्कि मुल्क में जमहूरियत के बहाली तक जमीयत उलमा इस्लाम का हर कारकुन सड़कों पर निकलकर अपने कायदीन के हुक्म पर जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बल्कि हम इमरान खान को बताना चाहते हैं, अदालत से हम पूछना चाहते हैं, 126 दिन धरने के दिनों में इन लोगों ने जो पार्लियामेंट पर हमला किया, इन लोगों ने पार्लियामेंट पर, PTV पर हमला किया, लेकिन आज तक उन केसों का फैसला नहीं हुआ। अगर इन चीज़ों पर कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है, एहतजाज से रोका जाता है, तो सबसे पहले दहशतगर्दी का FIR वो सदर ममलिकत पर होना चाहिए, ना अहल जेली वज़ीर आज़म पर होना चाहिए और PTI के कारकुनों पर होना चाहिए। तो हम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, कौम को हम दावत देते हैं कि मुल्क के बका के लिए, जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलें, इन नाअहल जालिम हुक्मरानों से कौम को निजात दिलाएं। Thank you.